सो अपने सैडल बैग्स धुल गए हैं, ये देख लो, थोड़ा सा बुरा हाल हो रखा है लेकिन चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की साइड पे ही है और जहाँ तक धुल गया। ये नीचे वाला साइड थोड़ा सा गंदा दिखेगा आपको, क्योंकि इसे ज़्यादा जा नहीं रहा था और मैं ज़्यादा ब्रश मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है ना हालत ख़राब है। और ये नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है, ऊपर से पूरा साफ़ हो चुका है अच्छे से। और एक दूसरा वाला ये है, तो इसको हम लोग धूप में डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए, और जैसे ही ये सूख जाएगा उसके बाद इसमें पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी बज रहे दोपहर के 3 और मैं और नैमी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि कैमरे का कुछ माउंट लेना है, क्योंकि जो राइड अपनी शुरू हो रही है। तो जो माउंट्स हैं, एक माउंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है जे हुक माउंट लगता है चिन माउंट के साथ, और उसके ऊपर कैमरा लगता है। तो वो जो जे हुक माउंट है वो बहुत ज़्यादा टूटता है बार बार घुसाने निकालने में, उसका जो साइड वाला बकल होता है वो टूट जाता है, तो वो उसके वजह से बहुत सारा चाहिए होता है। तो पिछले लद्दाख राइड में मैं 7-8 लेके गया था, और तब से लेके अभी तक जितने भी मोटो ब्लॉगिंग किए हैं एक एक करके टूटता गया और सिर्फ एक बचा है। तो वो मुझे चाहिए, ऑनलाइन मिलता है लेकिन ऑनलाइन टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर कर रखा है लेकिन अभी तक शिप भी नहीं हुआ, उसका टाइम दिखा रहा है 14 तारीख तक डिलीवर होगा। तो वो एक जगह मिलता है जो कि चांदनी चौक है, वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन अचानक से मैं नंबर ढूंढ रहा था तो एक फैक्ट्री का नंबर मिल गया है जो कि गाजियाबाद के अंदर है फैक्ट्री, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक सस्ते रेट में भी मिल रहा है और बहुत सारे मतलब बल्क में मिल रहा है, हमें ज़्यादा तो नहीं लेना है लेकिन 8-10 पीस लेके आ जाएंगे क्योंकि रेट बहुत अच्छा मिल रहा है बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट्री। और वहाँ पे देखेंगे अगर और कोई बड़ी एक्सेसरीज जो कि एक्शन कैमरे की, तो वो भी ले लेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैनुफैक्चर होती है, और अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। इसको बोल दिया है मैंने कि लेके नहीं जाऊँगा, तब से पै 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 कर रहा है। मैक्स नहीं जाएगा घूमने, नहीं जाएगा। ऐसे रास्तों में क्यों फंस जाते हैं? पता नहीं यार। टर्न लेफ्ट, देन योर डेस्टिनेशन विल बी। यही होगा मुझे लग रहा है। नहीं यार, ये नहीं, ये देख लो। अच्छा, ये तो मस्तन है। शर्ट वर्ट होना, शर्ट बना रहे भाई। फैक्ट्री से आए सीधा माउंट लेव। प्रैक्टिस यहीं से है। मुझे मैप देखना होगा लगता है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं जेहुक माउंट लेकर के, और काफी बढ़िया रेट मिला था। हम लोगों ने बहुत सारा जेहुक ले लिया, 10 ले लिया। दिस इज हाउ द माउंट लुक्स लाइक, ये चिन माउंट पे लगता है। तो काफी बढ़िया रेट मिल गया, जो उनका होलसेल रेट है उसी पे मिल गया। और एक्चुअली क्या है कि होलसेल रेट मिनिमम 500 पीसेस पे मिलता है, लेकिन उन्होंने बोला कि जाओ आप भी जी लो अपनी जिंदगी। तो मैं भी गया था, 5 पीस ले लो, 10 पीस लेके आ गया उधर से, और साथ में उन्होंने अपना कैटलॉग भी मुझे दिया है। और इसके अंदर जो है सारे ब्लॉगिंग एक्सेसरीज मिलते हैं, सारे के सारे जो भी चाहिए, और काफ़ी बढ़िया रेट में। मतलब अगर आप होलसेल में लेते हो तो अपने होलसेल नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मार्केट रेट से सस्ता है क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री है, प्लस ये लोग इंपोर्ट भी कराते हैं चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ये लोग खुद भी बनाते हैं, जेनरिक चीज़ें जैसे जेहुक है ये लोग खुद बनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया, और फैक्ट्री के अंदर वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं था, तो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि फालतू में पंगे नहीं लेने अपने को किसी से। उन्होंने बोला मत बनाओ सर, मैंने बोला ठीक है नहीं बनाता हूँ, और लेके अब हम लोग बस यहाँ से घर जा रहे हैं। और ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, या जो भी चीज़ चाहिए उनसे फ़ोन करके कन्फर्म करूँगा, अवेलेबल है स्टॉक, जाओ ले लो। चांदनी चौक जाने का चक्कर ख़त्म, ऑनलाइन ऑर्डर करने का चक्कर ख़त्म। ऑनलाइन जितने में मिलता है ना उसके 30% प्राइस में मुझे यहाँ पर मिला। सोचो जो चीज़ ऑनलाइन अगर आप लगा लो कि 100 रुपये की मिलती है, मुझे 30 रुपये की मिली है। भाई इतने का नहीं है, इससे ज़्यादा का है, मतलब आपको एक रफ आइडिया दे दिया मैंने कि इतने का मुझे मिल गया। यहाँ पे मैं अभी मैक्स को घुमाने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा एक लेडी है, शी इज़ फीडिंग द डॉग्स। आप यहाँ पे देखो, जूम करके दिखाता हूँ, देखो शी इज़ फीडिंग अ लॉट ऑफ डॉग्स, लॉट ऑफ डॉग्स आर देयर। बीच से एक नेवला भी ऐसे क्रॉस हो गया, ये देख के बहुत अच्छा लगता है, शी इज़ फीडिंग डॉग्स देयर। और बहुत सारे डॉग्स, और मैंने इनको देखा है काफ़ी टाइम तक, इन्होंने फीड किया है डॉग्स को, बड़ा अच्छा सा लगता है यार देख के। यहाँ पे देखो एयरफोर्स का एक प्लेन जा रहा है, आई थिंक दिस इज़ द सुपर हरकुलस प्लेन जो आता है C-130J, जिसका मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, बड़ा जो क्लोजअप शॉट लिया था मैंने, तो ये वही प्लेन है एयरफोर्स का। आंटी आप ये भी फीड कर दो, ये ट्रीट्स है, ठीक है। आप कब से फीड कर रहे हो डॉग्स को?
आप कब से फीड कर रहे हो डॉग्स को? मैंने काफी अच्छा अच्छा बम्बई से अच्छा 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 बहुत अच्छा काम कर रहे हो आंटी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पुलिस लोग परेशान है, ये है ना, हाँ हाँ हाँ, ये जो कार वॉश वाला, हाँ हाँ, वो चिल्लाता है और पुलिस को बुलाता है, वो इन लोग का यही काम है, ये लोग नहीं रखते ना, इसलिए इन लोग ऐसा ही करते हैं। चलो आंटी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, थैंक यू आंटी, इसका नाम क्या है? मैक्स। Later that same evening. अभी रात के बज रहे हैं 10:30, मैक्स को घुमाने गया था, इसका ये जो कॉलर है ये टूट चुका है, तो अभी मैं इसको बिना कॉलर के घुमा हुआ मैं लेके आया हूँ। बात इसने मानी अच्छे से, लोग थोड़ा बहुत डरते हैं बट चलो ठीक है, मैनेज हो गया, क्योंकि रात का टाइम था कुछ नहीं। अब इसके लिए ये अर्जेंटली इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि बड़े साइज का कॉलर अब है नहीं हमारे पास। चलो आ जाओ, कॉलर टूट गया इसका। हंसी क्या आ रही है? कब से बोल रही थी लेने के लिए? तुम्हारा ही बद्दुआ लगा है, टूट गया इसको, फिर बाहर से मैं बिना कॉलर के लेके आ रहा हूँ। लोग बात तो मानना था लेकिन लोग डरते हैं ना, जरा सा ऐसे हिलता है उनके तरफ उनकी मतलब प्राण निकल जाता है उनका, बिल्कुल ऐसा होता है ना, हलक से प्राण निकल रहा है। बोल रहा था कि ये सच में बहुत पुराना हो गया, देख लो हालत, देख लो ये आप जब लद्दाख गए थे ना तब मैं लाई थी, वही ना ये। अब इसके लिए कल एक नया कॉलर लेके आएंगे क्योंकि अब ये कॉलर पुराना हो गया, चोक चेन लेके आएंगे। हाँ। चोक चेन आएगा तुम्हारे लिए, बहुत मुनासिब करता है, कैसे निकल रही है, टहल के आ रहा ना काफी सारा इसलिए।